पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा पर कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से नेपाल सरकार ने 100 रुपए के नए नोट पर इन विवादित क्षेत्रों को अपने देश का हिस्सा दिखाने वाला नक्शा छापने का फैसला किया है, वो वाकई चौंकाने वाला है। नेपाल भारत के सबसे करीबी पड़ोसी देशों में शामिल है। इसके 1850 किलोमीटर से भी लंबी सीमा भारत के 5 राज्यों से मिलती है। दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों की भी जड़ें काफी गहरी हैं। बावजूद इसके पिछले कुछ समय से दोनों देशों के संबंधों में खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अगर सीमा संबंधी इसी मसले को देखा जाए तो 4 साल पहले दोनों देशों के बीच ये मुद्दा काफी गर्मा गया था। साल 2020 में तत्कालीन सरकार ने जब देश का नक्शा अपडेट किया तो उसमें 3 क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाए गए थे। मामला तब और भड़का जब भारत ने 8 मई 2020 को लिपुलेख होते हुए मानसरोवर की ओर जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इस पर कड़ी आपत्ति की, जबकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से होकर जाती हुई ये सड़क पूरी तरह भारत के इलाके में पड़ती है। उस वक्त नेपाल सरकार ने नक्शे में बदलाव को मजबूती देने के लिए इसके पक्ष में संविधान संशोधन विधेयक भी पारित किया था। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों देशों में अस्थायी तौर पर संवाद बंद हो गया। लेकिन ऐसे विवाद इस तरह के माहौल में नहीं सुलझाए जा सकते। जल्दी ही दोनों पक्षों को इसका एहसास हुआ और इस मसले को एक साझा प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति बनी। ये प्रक्रिया जारी है। ऐसे में अचानक एक तरफा ढंग से किया गया ये फैसला स्वाभाविक ही चौंकाता है। गौर करने वाली बात यह है कि नोट पर नक्शा छापने के फैसले पर नेपाल के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिन क्षेत्रों पर नेपाल के दावों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल नहीं हुई है, उन्हें देश की करेंसी पर छापने का फैसला कहीं जल्दबाजी साबित ना हो जाए। बहरहाल, जहां तक सीमा संबंधी मतभेदों के सवाल है तो भारत स्पष्ट कर चुका है कि इस तरह की एकतरफा कार्रवाई से जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली। इस विवाद को निपटाने की जो प्रक्रिया दोनों देशों ने आपसी सहमति से तय की है, उसे आगे बढ़ाते हुए किसी सहमति पर पहुंचना ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।